हाँ जी दोस्तों, सत श्री अकाल जी। स्वागत है तुहाडा अपने यूट्यूब चैनल पंज आव स्टडी दे विच। सो दोस्तों, पंजाब पुलिस कॉन्सटेबल दे लई एक वैरी इंपोर्टेंट क्लास लैके हाजिर हाँ तुहाडे लई। मॉक टैसट हैगा, दसवां मॉक टैसट अज दा ही रहने वाला है। इस तो पहला शायद 9 मॉक टैसट अपने हो चुके हैं, शायद दसवां ही मॉक टैसट हैगा। तो प्लेलिस्ट सारे ही मॉक टैसटां दी अपने बना दित्ती है, तुहानू एक प्लेलिस्ट दे विच सारे मिल जाणगे। तो इस तो इलावा बाकी जिन्नियां भी क्लासां मॉक टैसट दे वजो अपने लगाईआं होईआं ने सारियां जरूर देख लो। करंट अफेयर दियां जां सरकार दियां जिन्नियां भी स्कीमां ने वह इस हिसाब दे नाल आपां ने क्लासां बनाईआं ने, जिस तरह के पेपर दे विच प्रश्न पुछे जा रहे नेगे। तो उस तो इलावा अगले शिफ्टां दे विच किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, ये चीज़ नूं भी खास ध्यान दे विच रखते हैं। क्लासां तैयार कीतीआं ने तां क्लासां नूं कंप्लीट जरूर देखिया करो। जेकर तुहाडे कोल हुण भी टाइम है तां तुसीं प्लेलिस्टां दे विच चले जाणेगा, तो अपनियां जिन्नियां भी हुण तक क्लासां होईआं ने तां प्लीज़ प्लीज़ जरूर देखो उहनां नूं जाके। वैरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन अपने ये रहने वाले ने। तो अपनी क्लासिज नूं देख के कैंडीडेटा के मैसेज भी आ रहे हैं कि ये क्वेश्चन सानू इस शिफ्ट के देखने को मिले ने, तो लिए भी इदा होएगा कि तुम प्लीज़ क्लासा जरूर कंप्लीट देखा करो। ठीक है जी, तो पहले ही क्वेश्चन के वाल चल जाए। देखो पहली गल तो कि आप क्लास में ज़्यादा लौंग नहीं हो देंगे, कि टाइम हैगा जो उसकी बचत हो, बाकी जो नोटड मटीरियल है सारा अपना देख सको। तो छोटी ही क्लास होएगी, ज़्यादा वड्डी नहीं होएगी। बस जो भी थोड़े को टाइम लगे तो मॉक टैसट जरूर देख लिया करो, पिछले मॉक टैसटों भी जरूर देखा करो। देखो पहला क्वेश्चन अपना की करेगा, लोक सभा का मैंबर बनने लिए घट्टो घट उम्र कितनी होनी चाहिए है जी। देखो ज़्यादातर अपने दिमाग दे विच जा 35 साल या 30 साल यह मतलब कि उम्र नहीं जिहड़ियां बनिया हो जाणगियां। तो इसका राइट आंसर जिहड़ा जेकर लोक सभा का मैंबर बनने के लिए पूछा जाए, लोक सभा के लिए 25 साल हैगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन यह है, तो इतने तुम 35 बना लो। ठीक है, दो बार 25 हो गया, तो ऑप्शन बी अपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 25 साल की उम्र लोक सभा का मैंबर बनने के लिए चाहिए है, घट्टो घट उम्र। तो देखो जी अपने को राष्ट्रपति का भी पूछा जा चुका है, तो उपराष्ट्रपति इन्ह दमर पूछिया जा चुकिया ने, इस करके ही अपने यह ऐड किया गया क्वेश्चन। तो हो सकता है अगली शिफ्ट के तो पूछा जाए। ये देखो मंदिर के दे नाल रिलेटड हैगा, दुर्ग्याना मंदिर कितने है, इस क्वेश्चन भी पेपर के बन चुके हैं, इस करके ये भी आप ऐड किया। तो देखो दुर्ग्याना मंदिर कितने हैगा, वो है जी अपना अमृतसर के। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जो ऑप्शन इसका राइट आंसर ने सिर्फ तो सिर्फ आप गल करांगे। तो नाल ही अज की क्लास के देखो आप 15 क्वेश्चन लेके आए हैं, 15 के विचों तुहाडे किन्ने सही होंगे ने जो कि तुहानू पहला तो आउंदे सीगे, ये चीज़ कमेंट करके जरूर दस्यो। तो वीडियो वधिया लगी इसनों जरूर तो जरूर लाइक करके भी जाना। प्रश्न नंबर 3, ऑपरेशन फ्लड किस दे नाल संबंधित है, इन्हां दे विचों वह दसना हैगा। ऑपरेशन फ्लड हैगा जिहड़ा दुध दे नाल रिलेटड हैगा, इसनों आपां चिट्टी क्रांति भी कहने हैं, जिहड़ी कि वाइट रेवोल्यूशन चिट्टी क्रांति सी जी, इस रिलेटड है। ज फ्लड ऑपरेशन जेकर पूछा जाए पेपर के वह किस रिलेटड है, दुध के नाल रिलेटड है। तो इसका जेकर तुम पूछा जाए कि यह किस दे विकास के नाल है, डेयरी विकास के नाल रिलेटड है, एन इतने देखो ये चीज़ में तुम एक फॉर्म में नोट कर लो, एन डी डी ते बी नैशनल डेयरी डिवेलपमेंट बोर्ड। ठीक है, मतलब कि नैशनल डेयरी विकास बोर्ड इस दे नाल रिलेटड है ये। तो तुम इस जरूर तो जरूर पढ़ के जाओ एक बार। अगला क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन, मुदकी की लड़ाई कदों हुई सी, मुदकी की लड़ाई कदों हुई, मुदकी की लड़ाई हुई सी 1845। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो जेकर तुहानू डेट पूछ लिया जाए वह भी तुम एक बार जरूर ध्यान दे विच रखना है, 18 दसंबर नोट कर लो, 18 दसंबर यह डेट है, तो ईयर 1845। अगला क्वेश्चन पंजवें क्वेश्चन के विच है, राज्यसभा का मैंबर बनने के लिए घट्टो घट उम्र कितनी होनी चाहिए है। देखो लोग सभा का 25 साल होनी चाहिए है जेकर लोग सभा का पूछे, तो जेकर पूछे राज्यसभा का ये वास्ते 30। ठीक है, बाकी दे आपां 35 साल पढ़ के आए हैं, वह भी तुम खास ध्यान के रखना है। तो पिछलियां क्लासा जिन्नी हुण तक हुई ने एक बार तुम उन्होंने जरूर देख लो, जेकर तुहाडे कोल टाइम है। 10-10 मिनट 12-12 मिनट दी क्लासा ने, कोई ज़्यादा वड्डी आपां क्लास नहीं लेंदे, तो वह क्लासा नूं प्लीज़ जरूर देखो, तुहाडे लई बहुत ज़्यादा हैल्पफुल रहण वालियां ने। तो देखो राज्यसभा का जेकर मैंबर पूछा जाए, राज्यसभा का यह है जी 30 साल, तो लोग सभा का जेकर पूछा जाए उसके वास्ते 25 साल होनी चाहिए है, घट तो घट उम्र। हुण देखो नैक्सट क्वेश्चन, छेवां क्वेश्चन, SC ਅਤੇ ST ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। SC ਤੇ ST
ठीक है, जां आपां कह सकदे हां जिहड़ा कमजोर तबका, ठीक है, आर्थिक पक्षों कमजोर तबका है उस दे नागरिकां दे जिहड़ी सिक्ख्या ते आर्थिक अधिकारां दे विकास दे लई इह आर्टिकल बनाया गया एससी अते एसटी कबीलियां दे नागरिकां दे वास्ते। किहड़ा आर्टिकल हैगा जिहड़ा इस दे विच इहनां नूं मतलब कि अपना इन्हां दे अधिकार दिंदा हैगा, जिहड़ा आर्टिकल किहड़ा आर्टिकल हैगा जिहड़ा इस दी गल करदा है, उह है जी ऑप्शन डी, इस क्वेश्चन दा राइट आंसर। 46वां आर्टिकल हैगा जिहड़ा उह इस चीज़ दी गल करदा हैगा एससी अते एसटी कबीलियां दे नागरिकां दे सिक्ख्या अते आर्थिक जिहड़े अधिकार ने उहनां दे विकास दे लई। आर्टिकल नंबर 46 हैगा जिहड़ा उह राइट आंसर हैगा। अगे चलदे हां, अगला क्वेश्चन देखो जी अपना 7वां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन हैगा जिहड़ी सैन फ्रांसिस्को यूएसए दे विच गदर पार्टी की स्थापना हुई सी उह किस साल हुई, किस साल जिहड़ी स्थापना हुई सी गदर पार्टी की। राइट आंसर 1913 वाली ऑप्शन हैगी जिहड़ी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 1913 दे विच सैन फ्रांसिस्को दे विच यूएसए दे विच गदर पार्टी की स्थापना हुई सी। अगला क्वेश्चन देखो 8वां, चंडीगढ़ का नींह पत्थर कदों रख्या गया सीगा, चंडीगढ़ का नींह पत्थर कदों रख्या गया। ऑप्शन सी 1952 दे विच, 1952 दे विच चंडीगढ़ का नींह पत्थर हैगा जिहड़ा रख्या गया सीगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हैगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखो जी 9वां क्वेश्चन, देयर शैल बी ए हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट, यानी कि हर एक राज दे लई एक हाई कोर्ट होवेगी, यह किहड़ा आर्टिकल कहिंदा हैगा, हर एक स्टेट दे लई अपनी हाई कोर्ट होएगी, किहड़े आर्टिकल दे विच इह लिखा होया। आर्टिकल 214 ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हैगा। ते बाकी देखो आर्टिकलों वालियां वीडियोज़ आपने प्लेलिस्ट दे विच दित्तियां होईयां ने, उन्हां नूं जरूर जाके देखियो तुसीं, आर्टिकल ने, ठीक है। तो उस तो इलावा जिहड़े भाग दे विच किहड़े भाग दे विच किहड़े किहड़े आर्टिकल आउंदे ने, ते उस तो बाद सारियां ही तुहानूं अनुसूचियां वगैरह उस दे विच मिल जाणगियां, एक बार तुसीं उस नूं जरूर ते जरूर विजिट करियो। तो अगले क्वेश्चन दे वल आपां चलदे हां, 10वां क्वेश्चन अज दा। 10वां क्वेश्चन देखो, राज्यसभा दे मैंबर दा कार्यकाल किन्ने साल हुंदा है। तां इस तरह के क्वेश्चन पेपर दे विच पुछे गए ने शिफ्टां दे विच, इस करके ही आपां ने इहनां नूं ऐड कीता। राज्यसभा दे मैंबर दा कार्यकाल इत्थे पुछिया गया उह है जी 6 साल, ठीक है, बाकी 5 साल हुंदे ने ज़्यादातर, ठीक है। तो तुसीं 5 साल ही टिक्कनी लगाउणा, इत्थे इसका स्पैशल हैगा 6 साल वाला, इस करके ये क्वेश्चन आपने ऐड किया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है 6 साल, तो यह एक स्थाई साधन हुंदा जेकर तुहानूं इदां भी पुछया जा सकता है। राज्यसभा दे मैंबर का कार्यकाल 6 साल हुंदा है, स्थाई साधन के वजों इसनूं जाणिया जांदा है। 11वां क्वेश्चन देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार केरल का लिंग अनुपात किन्ना है। तो देखो एक चीज़ होर जिहड़ी सामने आई है कि वह स्टेटा दे विच भी पूछा जा रहा है, मतलब कि आप जी 2011 की जनगणना की है, ठीक है, वह की सीगा कि पंजाब की अपने 2011 की की है, तो पंजाब दे विच्चों बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, जिहड़े भी क्वेश्चन हुण तक बने ने वह पंजाब दे विच्चों ही बने ने कि पंजाब 2011 की जनगणना के अनुसार ये दसो ये दसो ये दसो इदा। तो हुण एक चीज़ की हैगी कि जिहड़ा एसआई का पेपर सीगा उहदे विच पंजाब तो बाहर भी एक दो क्वेश्चन पूछे गए ने जिहड़ी 2011 की जनगणना हुई, मतलब कि भी पंजाब ते हरियाणा का जां किसी होर राज्यां दे नाल कंपीटीशन होया 2011 की जनगणना का, उहदे विचों क्वेश्चन पूछे गए, जिवें कि चलो आही क्वेश्चन देख लो, इत्थे केरल का लिंग अनुपात पूछे गया, ठीक है, ये क्वेश्चन एसआई दे पेपर दे विच आया सीगा, ठीक है, वैसे होर फॉर्म दे विच सीगा क्वेश्चन, इदां नहीं सीगा, वैसे मतलब कि उत्थे एक पूछा गया सीगा केरल का लिंग अनुपात, ठीक है, वैसे यह क्वेश्चन तो आपने आप बनाएगा, मतलब कि उस दे विच ए नहीं सीगा, होर तरीके दे नाल पूछा गया सीगा। तो देखो इत्थे की हैगा केरल का जिक्र अपने लिंग अनुपात देखना, आपां पता है कि सारे तो ज़्यादा लिंग अनुपात केरल का है, तो आप इस दे वल चलदे हां, ऑप्शन ए राइट आंसर है, 1084 हैगा, ठीक है, मतलब कि जेकर 1000 मुंडे ने तो मतलब कि मुंडिया के नालों ज़्यादा गिनती कुड़ियां दी हैगी उत्थे। तो हुण देखो जेकर यह हैगा पहले वाला तुहानू पूछा जा सकता है, पहले स्थान वाला, क्योंकि पहले स्थान के उत्ते केरल है, ये पूछा जा सकता है। हुण देखो उस तो बाद जेकर आह आप देख लीए दूजा ये नंबर हैगा जिहड़ा, ये पुडुचेरी लिख लो तुसीं, ठीक है जी, पुडुचेरी। तो उस तो बाद जिहड़ा आह तीजा नंबर हैगा ये है जी हरियाणे का, ये हरियाणे का नंबर है, मतलब कि हरियाणे दे विच यह लिंग अनुपात हैगा अपना, ठीक है। तो उस तो बाद 868 देख लो, 868 हैगा दिल्ली का, ये जिहड़ियां इंपोर्टेंट अंकड़े ने इन्हां नूं तुसीं थोड़ा कु ध्यान दे विच जरूर रखो, हो सकदा तुहानूं किसी ना किसी शिफ्ट दे विच देखण नूं मिल जावे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12वां,
प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड परसनल लिबर्टी, यानी कि इदा कह सकते हैं कि जीवन अते निजी सुतंत्रता की जिहड़ी सुरक्षा हैगी, ठीक है, इसका अधिकार किस आर्टिकल दे विच दिता गया है कि बंदे दे अपने जीवन ते निजी जिहड़ी सुतंत्रता है उसकी सुरक्षा हैगी बंदे दे हाथ दे विच, जां मतलब कि दित्ती जानी चाहिए उसकी पहल दे उत्ते सुरक्षा हैगी हर एक बंदे दी, तां इह किस आर्टिकल दे विच इह अधिकार दिता गया हैगा। यह अधिकार आर्टिकल 19वें दे विच दिता गया है, ठीक है जी। ऑप्शन ए अपना इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, सॉरी आर्टिकल 21वें दे विच, ठीक है, मिसटेक होगी, आर्टिकल 21वें दे विच यह चीज़ दी गई है। 12वें क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया, जिहड़ा प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड परसनल लिबर्टी हैगी, यानी कि जीवन अते निजी स्वतंत्रता का जिहड़ा अधिकार हैगा वह आर्टिकल 21वें दे विच दिता गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखो 13वां, बाल मजदूरी के उत्ते प्रतिबंध लग्या होया, आपां नूं पता है कि बाल मजदूरी नहीं करवाई जा सकती बच्चों तो, मतलब कि किसी तरह का काम नहीं लिया जा सकता कि किसी मान लो दुकान के उत्ते बर्तन मांजन के वास्ते या किसी तरह का भी बच्चे तो काम वो नहीं करवाया जा सकता, उसनूं लीगल नहीं मन्या जा सकता। तो देखो इस दे उत्ते प्रतिबंध लग्या होया कि बच्चे तो काम नहीं करवाया जा सकता, तो यह किस आर्टिकल के तहत लगवाया गया वो दसना हैगा आपां नूं इस दे विच। आर्टिकल 24वां यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हुण देखो इस दे विच कहा की गया है कि बच्चे नूं 14 साल तो जिहड़ा घट दा बच्चा है 14 साल तो घट दी उम्र तक बच्चे तो मजदूरी नहीं कराई जा सकती, ठीक है, क्यों नहीं करवाई जा सकती, जिहड़ा 21वां आर्टिकल हैगा, ठीक है, वह सिक्ख्या नाल रिलेटड है, वह 21A सीगा शायद, उहदे विच देखो मतलब कि 6 तो 14 साल के बच्चे ने जिहड़े उहनां नूं सिक्ख्या का अधिकार दिता गया कि मतलब कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का जिहड़ा आपां सुणदे आ उह 6 तो 14 साल दे विच दित्ता गया। हुण देखो जिहड़ा 14 साल का बच्चा हैगा वह 6 तो 14 साल का यानी कि 14 साल तक की उम्र सीगी जिहड़ी उसनूं संविधान दे विच कह दिता कि वह फ्री ते कंपलसरी एजुकेशन का उसनूं अधिकार दिता गया उस बच्चे नूं, 14 साल तक वह बच्चा सीगा जिहड़ा इधर गिणिया जाएगा उसनूं काम वाले पासे नहीं लिया जा सकता, तो उसका अधिकार इको चीज़ के उत्ते है जिहड़ा हैगा कि उसका सिक्ख्या के उत्ते अधिकार हैगा, होर उस तो काम नहीं करवाया जा सकता, तां करके इसका अधिकार इस दे विच नहीं दिता गया काम का, क्योंकि वह उम्र पढ़न की होएगी 6 तो 14 साल की, ठीक है। हो सकता पेपर दे विच इस तरह ही पूछ लिया जाए कि बच्चे नूं जिहड़ा बाल मजदूरी क्यों नहीं करवाई जा सकती, ठीक है, तो क्यों नहीं करवाई जा सकती, क्योंकि 14 साल तक बच्चे नूं पढ़ाई का अधिकार दिता गया वह काम के लिए नहीं बनया, 14 साल तो बाद बेशक हो, ठीक है, 14 साल तो पहला दे बच्चे तो काम नहीं करवाया जा सकता क्योंकि उसनू सिक्ख्या का अधिकार दिता गया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन 14वां, श्री गुरु अंगद देव जी ने किहड़े शहर की स्थापना की, किहड़े शहर की स्थापना की सी, वो है जी खडूर साहब, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। गुरु अंगद देव जी ने खडूर साहब की स्थापना की, राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। अगला क्वेश्चन देखो जी 15वां क्वेश्चन अपना की करेगा, खेती अते पशु पालन दे विकास नाल संबंधित केड़ा आर्टिकल है, केड़ा आर्टिकल हैगा जिहड़ा खेती अते पशु पालन दे नाल संबंधित है, वह है जी आर्टिकल 48, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो यह अपने अज के 15 क्वेश्चन से, 15 दे विचों तुहाडे किन्ने सही ने कमेंट करके जरूर दस्सो, ते क्लास किस तरह की लगी ये भी तुसीं जरूर अपना रिव्यू देणेगा, ते इस तों इलावा तुहाडे लई वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होर लैके आउंदे रहांगे, इस तरह अपने नाल जुड़े रहनेगा तुसीं ने, ते नाल ही जिहड़े स्कीमां दे जां करंट अफेयर दीआं जिन्नियां भी क्लासां ने हुण तक आपणे 10-10 15-15 मिंट दीआं क्लासां ने, कोई ज़्यादा वड्डियां नहीं, उहनां नूं इक-इक वार जाके तुसीं जरूर देखो, ते नाल ही इस तरह दीआं क्लासां होर लैके आउंदे रहांगे स्पैशल टॉपिक के उत्ते, जिमें कि एक 2011 की जनगणना के उत्ते वीडियो लैके आए, तो उस तो बाद स्कीमां दे उत्ते लैके आए, एक स्पोर्ट्स वाले भी वो कई दिनों का माइंड के घूम रहा कि आपां स्पोर्ट्स की क्लास लैके आनी है, बस वो थोड़ा क इधर उधर टाइम ही नहीं लग रहा कि शायद तुहाडे लई कल नूं आपां स्पोर्ट्स की वीडियो लैके आईए, तो हुण तक नाल जुड़े रहने लई तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। 15 दे विचों किन्ने क्वेश्चन सही होए ने तुहाडे, मतलब कि जो तुहानूं आंदे सी वो कमेंट करके जरूर दस लेंगे, धन्यवाद।